أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآل الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات ومحمد اللهم صل على محمد وآل محمد برادران ایمانی ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہمارے امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کی طرف سے یہ زحمت ہے یہ اہتمام ہے کہ میں آپ دوستوں کی بارگاہ میں اس انداز سے عرائض اپنے پیش کر سکوں تو ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے پروردگار عالم کا خطاب مومنین سے ہے یا ایھا الذین آمنوا بڑا ایک پیار بھرا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو ایک پیار بھرا ایک بہت احترام سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم یہ تعزیبات نہیں ہے کہ فقط تمہارے لیے یہ باعث ہو ان سے پہلے جو تھے ان پہ بھی مکتوب تھے ان پہ بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے ہدف یہ تھا کہ لعلکم تتقون تاکہ تم تقویٰ اور متقی بن جاؤ تو یہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو مومنون سے خطاب ہے اچھا آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جب خطاب مومنین سے ہے تو پھر غیر مومنین پہ روزے فرض نہیں ہیں پھر بس یہ خطاب جو ہے وہ مومنین سے ہے پھر غیر مومنین پہ کیا روزے فرض نہیں ہیں کہ خداوند عالم فقط مومنین سے مخاطب ہے اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلے انسان جو ہے نا یہ بشر یہ دنیا میں جو رہ رہے ہیں ان کی تھوڑا سا ایک تقسیم کریں ان کو تقسیم کرتے ہیں ایسا ایسا بناتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں یہ خالی ذہن ہے ذہن ان کا خالی ہے ایک بچے کا ایک پاک ذہن آپ حساب کر لیں بچے کے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے خالی ذہن ہے اس کا اب اس بچے کے ذہن میں آپ کچھ بھرتے ہیں آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ لے لیتا ہے ایک ہے خالی ذہن اسی طرح یہ پاک ذہنوں والے لوگ آپ کے پاس کچھ افراد اس قسم کے ہیں جو پاک ذہن والے ہیں اور وہ جو چیز اچھی آتی ہے اس کو لے لیتے ہیں تو دوسری جگہ پر وہ دیگر علم ایسے لوگوں کی تعریف بھی فرما رہا ہے فرمایا تو بشر عبادی الذین یستمعون القول
मेरे उन बंधुओं और उन लोगों को बशारत दे दो जो यस्तमिउन अल-क़ौल, जो बात को सुनते हैं। असल मसला ये होता है कि बात सुनते ही नहीं है। यस्तमिउन अल-क़ौल, सुनते हैं। अच्छा, यहाँ एक मैं एक बात आपको थोड़ा सा इशारे से अर्ज भी कर दूं, और वो ये कि एक मसला है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गाना सुनना हराम है या नहीं? क्या गाना सुनना? और मैं यहाँ बैठा हूँ, गाने की आवाज आ रही है, मैं क्या करूँ? मैं रोड पे जा रहा हूँ, गाने की आवाज आ रही है और मैं सुन रहा हूँ, ये हराम काम है। तो ये सुनना हराम नहीं है, लेकिन इसी गाने को आप कान लगा के सुने और फिर लुत्फ़ानंदोज हो या नफरत हो, जो आपकी ज़हनियत हो, वो फिर वो अलग बात है। वो कान लगा के सुनना है, आप कहते हैं सुनने को समा कहा जाता है और कान लगा के सुनने को इस्तेमा कहा जाता है। तो खुदा क्या फरमाते हैं, बशर इबादी अल्लज़ीन यस्तमिउन अल-क़ौल, बातों को कान लगा के सुनते हैं, इन मेरे बंदों को बिशारत दे दो कि यस्तमिउन अल-क़ौल, बातों को कान लगा के सुनते हैं, वयत्तबिउन अहसना, लेकिन इत्तबा पैरवी उसकी करते हैं जो अच्छी बात हो। सुभान अल्लाह। ये इस किस्म के ज़हनियत के लोग हैं कुछ, जो यस्तमिउन अल-क़ौल, जो बातों को सुनते हैं, जो बात को सुनते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बातों को सुनते हैं और उसके बाद जिसको आप अक्ल कह दो, माइंड कह दो, ज़हन कह दो, फिक्र कह दो, ज़मीर कह दो, फितरत कह दो, जितनी बातें हैं उन सब कुव्वतों के ज़रिए जो अच्छाई भलाई की जो आप तमीज़ करते हैं उनके ज़रिए उनको तोल तोला के ये तबेउन अहसना, अच्छी बात के इत्तबा करते हैं। तो एक किस्म का ये ऐसे किस्म के लोग हैं। अच्छा, एक किस्म के लोग ऐसे होते हैं जिनको फीडिंग है, जहन में पड़ी हुई चीजें हैं, फीडिंग है, फीडिंग है जहन में, एक पले बड़े हैं इस अंदाज से, जिस तरह से आप अर्ज कर रहे हो आपकी खिदमत में के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई ये काम तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हैं इसमें, तो हमारे अब्बा भी करते थे, दादा भी करते थे, पर दादा से या अबा अजदा से ये काम होता हुआ आ रहा है, और उसी काम को दलील बना लेते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, ये आबा व अजदाद की एक रस्म उनके जहन में फीद शुदा है, इस किस्म की तय शुदा है कि भाई दे दिया। उसके बाद अर्ज करो, एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं तो अदबी तो नहीं है, लेकिन अगर अदबी लफ्ज उसके मुतरादिफ मुझे नहीं आता है, जिद करके बैठ जाते हैं, अड़ी करके बैठ जाते हैं उस पर। तो एक किस्म के ऐसे लोग हैं, बस एक किस्म के लोग ऐसे हैं जो भलाई की तलाश में है, जो बातें तो सब सुनते हैं, लेकिन यह तबियउन अहसना, ये एक गुरुह है। एक दूसरा गुरुह है जिसको कहते हैं अरीबाज, जिद्दी, फारसी में कहते हैं लजबाज, एक जगह पे बस थूक दिया, बस वही है, उसके अलावा नहीं मानना, और को तो मानना ही नहीं है, ये दूसरे को दूसरा ग्रुप है। नंबर तीसरा ग्रुप इंसानों में वो है जिनको कहते हैं मुनाफिक,
जिसको आप कहते हैं जो आप मुनाफिक, वो एक मुनाफिक एक जिंदगी है अपनी रखता है, बस उस जिंदगी को जिसको आप जिस तरह से आम तरह बहुत अच्छा लगाते हैं और इस्तेमाल करते हैं लफ्ज मफाद परस्त, अपने ये मफाद परस्त देखे होंगे कि मसलन आजकल एक हुकूमत है तो इसमें भी वजीर है, फिर कल दूसरी हुकूमत है उसमें भी वजीर है, तीसरा उसमें वजीर है, फिर वो ऐसे पार्टियों के फजाइल बयान करते हैं कि सबको यही है। ये इस किस्म के लोग हैं, ये मफाद परस्त है, पेटू लोग हैं, खाओ पियो है, बस जाओ मजे करो, जिंदगी को यही समझते, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये कुरान में इनका जिक्र है, इसको मैं अपने फहम के मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ, आप अगर सलावत अर्ज करें पहला गुरु उसको अलिफ लाम मीम ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, ये किताब वो है जिसमें कोई रैब गुमान नहीं है, ऐसी कोई बातिल चीज़ है ही नहीं इसमें, ला रैब फी ना कि इसमें शक नहीं, ये नहीं ऐसा नहीं है, वरना बहुत सारे कुरान को मानते भी नहीं है, ला रैब क्या शक क्या, वो असल मानते ही नहीं है, मुनकर है, कुरान को मानते ही नहीं है, ला रैब यानी ऐसी कोई बातिल चीज़ ही नहीं है कि जिसको कह दे कि इसमें कोई शक शुबहा नहीं है, बातिल कोई चीज ही नहीं इसमें, सब हक की बात है। अब ये पहला ग्रुप है हुदन लिल मुत्तकीन, ये कुरान वो जो पहला ग्रुप मैंने आप कह रहा है, वो लोग जो बातों को सुनते हैं, अब मेरे ख्याल में कुरान उनको कहता है मुत्तकीन, अब ये मुत्तकीन है। खूब अब मेरे साथ है ना, कहते ला रहा भी हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन की सिफात में बैठे अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, पहली पहली सिफात इन मुत्तकीन की जो बातें सुनते हैं ना, ये ईमान किस पे रखते हैं, गैब पे ईमान रखते हैं, पता नहीं मेरी बात कितना मुतवज्जो है, आप ये जानवर देखो, जानवर भी देखता है, जानवर देखता है, जानवर को भी आंखें हैं, दिमाग कह दो दिमाग भी है जानवर के पास, जानवर भी देखता है, ये दीवार आप देखोगे जानवर भी देखेगा, ऐसा है नहीं, वो भी देखता है आप भी देखते हो, लेकिन वो निगाहें जो पास्ट में माजी में चली जाए वो जानवर के पास नहीं है, जानवर पे बस यही देखता है, उसके अलावा कुछ नहीं है, पास्ट माजी की तरफ निगाह दौड़ाए ये जानवर के पास की बात नहीं है, आप माजी पढ़ते हो, पास्ट पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो और उन हिस्ट्रियों से नतीजे लेते हो और उन हिस्ट्रियों से उन नतीजों से अपने लिए लाए अमल बनाते हो, उन तजुर्बा से तुम ये फायदा लेते हो, जानवर जाहिर को देखता है कुछ नहीं, अब उसके लिए कुछ है ही नहीं, कोई वो पास्ट फ्यूचर आइंदा है नहीं देख रहा है, जानवर नहीं देख रहा उसको, लेकिन इंसान जो है पास्ट को देखता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है, अभी के लिए काम करता है, तवज्जो या नहीं, तो ये इंसान है। अच्छा, ये इंसान ऐसा है कि युमिनून बिल गैब, अब अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में एक जानवर ज़हनियत का, हम ये उमूमन ये मादीगरा लोग जो है ना, ये फकत माद्य को तस्लीम करते हैं, माद्य के अलावा किसी को कहते कोई चीज है ही नहीं, इंसानियत की बेहतरमी करते हैं, कहते कुछ चीज है माता है वो देखने में आती है,
जो चीज देखने में नहीं आती है वो है ही नहीं, है ही नहीं। वो जब ये है ही नहीं तो खुदा भी नहीं, रूह भी नहीं, तो कहते नहीं है। बस फकत यानी एक इंसानियत को एक हैवान एक जानवर की माने, जो फकत ये देखता है, इस तरह से खाता है, पीता है, मरता है, नस्ल पैदा करता है, इस अंदाज से इंसानियत को देखते हैं। यानी उनके पास खुद खुद को समझना, खुद खुद को इंसान समझना, जो अजमतें अर्ज कर रहा हूँ इंसान को दी जाती है, उसकी तरफ भी मुतवज्जे नहीं है। फकत वो इस तरह से जानवर समझते हैं, जानवर है, दीवार देख रहा है, मैं भी दीवार देख रहा हूँ, इस दीवार के पीछे क्या है मुझे अंदाजे, मैं अंदाजे लगा सकता हूँ, वो नहीं लगा सकता, जानवर भी नहीं लगा सकता, मैं और जानवर कुछ एक ही बात है। लेकिन यहाँ खुदा क्या फरमाते हैं, अल्लदीना युमिनूना बिलगैब, मेरे साथ है आप, बस एक वो लोग हैं जो भला अच्छी बातें सुनते हैं और सुनने के बाद अच्छी बातों की पैरवी करते हैं, तवज्जो या नहीं, एक ये लोग हैं। तो इनकी सिफात में परवरदिगार अल्लदीन युमिनून बिलगैब, अब ये मैं तौहीद पे बहस शुरू कर दूं तो फिर एक और दुनिया चले जाए, फिर उस तरफ चला जाऊं, उस पे बहस करने नहीं जाता, अगर कोई मौका मिला तो किसी चैंपियन मिल लूं, लेकिन अभी मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता। वो यकीमुन सलात, ऐसी इनकी आदत है, तो ये नमाज पढ़ना क्या है, नमाज युकीमून सलात, नमाज आप मेरे पास आए, मैंने झुक के आपको सलाम किया, ये मेरा झुकना क्या बताता है, इज्जत देना, मैं आपको अजमत दे रहा हूँ, मैं आपके सामने झुक रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ही जाऊँ गाय के सामने झुकूं, आप मुझे क्या कहोगे, इसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया, वो गाय के सामने यार इतने बड़े बोली साहब होके पढ़ा लिखा हो गया गाय के सामने झुकता है, तो मजाक उड़ाएंगे नहीं। अच्छा अभी इकामा सलात को आप यहाँ नहीं रखो कि फकत ये कि नमाज उठता है बैठता है, ऐसे नहीं करो, बल्कि युकीमून सलात ये इस लेवल का बड़ा आदमी है कि अगर सर अगर झुकाता है तो अल्लाह के सामने और किसी के सामने नहीं झुकाता। यानी इतना खुद अजमतों की तरफ गया हुआ है कि अगर झुकाता है सर तो किसके सामने झुकाता है, अल्लाह के सामने। ओ इतना है कि किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, तो सलात युकीमुन सलात व युतून ज़कात, अब व युकीमुन सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। अच्छा अब इन सब की तफसीरें बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन उन पे फिर दूसरी दुनिया की तरफ चला जाऊं, अर्ज कर रहा हूं कि तौहीद हमारे पास एक लकलक लिसानी है, अल्लाह को एक मानना, किसको, अल्लाह को एक मानना, क्या ये फकत गिनती करते हैं एक दो, क्या एक ऐसे अल्लाह को एक मानना, उसका मतलब ये है कि मेरा सर झुकेगा उसके सामने, बेशक इताअत होगी उसके सामने, और मैं उस लेवल पे हूं कि अपना मालिक और मेरे माल का मालिक वो है, मैं अपने माल का भी मालिक नहीं हूं और मैं अपने वजूद का अपने का ही मालिक नहीं, वो मेरा मालिक है। जब मैं इस जहनियत पे चला जाता हूं
तो अब मेरा उठना बैठना माल खर्च करना का अंदाज मेरा बदल जाता है, तो मैं कुछ और बन जाता हूँ, पहले और नहीं था, अब मैं और बन गया हूँ। तो क्या करता है, युकीमुन सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हम उसको रिस्क देते हैं उसी रिस्क में से युन्फिकून, कोई मसला ही नहीं है, इन्फाक कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। वल्लदीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक, मेरे साथ हो, ईमान किस पे रखते हैं, गैब पे, युकीमुन सलात, इकामा सलात करते हैं, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, ये इस लेवल के लोग हैं जो अच्छी बातें सुनते हैं, सुनने के बाद फिर जो बातें सुनते हैं अच्छी बात की इत्तिबा करते हैं, तो ये लारे बफी कुरान में सब अच्छी बातें हैं, तो यही मुत्तकीन है, यही लोग है, इस किस्म के लोग हैं जो अच्छी बातें सुनते हैं और फिर ये उनके पद पर किरदार यूं जाहिर होता है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक, पैगंबर को मानते हो जी, क्या जी? पैगंबर को मानो, लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो चीज नाज़िल हो या वो सात चीजें वो लाए, आप उनको नहीं मानो तो क्या पैगंबर को मानते हो? नहीं मानते हो ना? अब लोग सुने जरा, अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक, पहला था युमिनूना बिलगैब, अजीब सिफत थी वो, उस युमिनूना बिलगैब के बाद युकीमुना सलात, नमाज का क़याम करते हैं, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, हमारे दरिद्र को इसका इन्फाक करते हैं। फिर आगे बढ़ के कहता है अल्बल्लदीना युमिनूना, इधर मुझको मानने के बाद तुझको ही मानते हैं ऐ रसूल, वल्लदीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक, जो तुम पर नाजिल हुआ है, जो तुम पर जो चीज़ें तुम लाए ले गए हो, जो को मैं तुमको वदियत की है और तुम ले गए हो, तुम पर जो नाजिल हुई है मेरी तरफ से, उन पे भी ईमान रखते हैं। यानी रसूल को जो चीजें साथ में लाए है उस पे भी ईमान रखते हैं। पास युमिनूना बिलगैब, फिर क्या, ये आदमी ऐसे बहुत अच्छे हैं, ये लोग मुत्तकीन हैं, ये लिस्ट में मुत्तकीन हैं, युमिनूना बिलगैब वो बिमा उन्ज़िल व उन्ज़िल क़ब्लहु व बिल आख़िरति हुम युक़मिनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ओ यही लोग हैं जो अल्लाह के रब के अल्लाह की हिदायत को हासिल कर चुके हैं और अपने रब तक पहुंच चुके हैं, रब की हिदायत है उसको हासिल है, वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, निजात याफ्ता यही लोग हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक ग्रुप कौन सा हुआ जो बातें सुनता है, यस्तमियून अल-कौल, ऐसी किसी में लेदे में नहीं है, ज़ेन अच्छी बातों के लिए तैयार, ये सर मैंने बच्चे की मिसाल दिया आपको, इसी तरह से ये लोग हमारे मुआशरे में इस किस्म के लोग हैं, जब भी कोई अच्छी बात वो ले लेते हैं, सुनते हर एक चीज है, लेकिन जो भी अच्छी है यानी दूसरे दिमाग में अक्ल में जहन में जमीर में फितरत के जरिए से जो जांचने के जो तुम्हारे पास हलाल, यस्तमिउन अल-क़ौल व यत्तबिउन अहसना, तो ये अर्ज कर रहा हूँ हुदल मुत्तकीन, ये लोग मुत्तकीन हैं। फिर उनकी सिफत यह ना अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, ये गैब पे भी यही ईमान लाएंगे, कि तो उनको गैब भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक इंसान खुद को लेवल पे चढ़ जाएंगे। अच्छा, इस मुत्तकीन के मुकाबले में इन्नल्लज़ीना कफरू, दूसरा वो गुरोह है जिनको कुरान कहता है कफरू, वो जो लोग कफरू है, काफिर का जो आप इनके जबान में मुत्तकीन के मुकाबले में कफरू लोग हैं, वो कफरू कौन है, सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून,
तुम जितनी भी अच्छी बातें इनको कह दो, नहीं वो एक हट धर्म लोग हैं, वो उसी पे खड़े हुए हैं, उससे हटना नहीं है। सवा उन अलैहिम अनज़रता हूँ अम लम तुनज़िम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनके दिल में पे मोहरें लग चुकी हैं। वो एक कल्ब ऐसा है कि जो कुछ भी उनके दीद नहीं है। एक तो होती है दिमागी दीद, एक आंखों की दीद, एक दिल की दीद, एक एहसासाती दीद। खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पे मोहरें लगी हैं। वह अला समिहिम, इनके कानों पे भी मोहरें लगी, सुनते ही नहीं है। जो सुने ना, क्योंकि खुद को इतना फंसा दिया है, इतना हठधर्मी में फंसा दिया है कि उसके अलावा और कोई चीज उनको दिखाई नहीं देती। अला समिहिम व अला अबसारिहिम, और उनके आंखें भी बंद हो चुकी है, वो कल्ब वाले दिल वाली आंखें भी नहीं है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, ये दूसरा ग्रुप। तीसरा वो मिनन्नास मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह, ऐसा ग्रुप है जो बीच बीच का है। आपके पास हुए आपके हो गए, आपके दुश्मन के पास गए उसके हो गए। क्या ऐसे मैं ऐसे ही पागल बना रहा था उसको, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे पास आया उसको पागल बना रहा था, मैं तो तुम्हारा हूँ। इसके कुरान तबीफ मिनन्ना से मैं यकूलो आमन्ना बिल्ला, कुछ लोग तो ऐसा तीसरा ग्रुप है जो कहता है अल्लाह पे मैंने बलियो बलियो मिल आखिर और हिसाब किताब के दिन को भी मानते हैं। वमा हुम बिमुमिनी, कहते हैं लेकिन मोमिन नहीं। पर ये तीन ग्रुप है मेरे ख्याल में। एक पूरा लफ्ज जो है वो जिनको हम सीधा साधा आदमी कह दें, न किसी चीज में फंसा हुआ, न उनके दिलों में कोई चीज है, न उनके कोई हठधर्मी है, न जिसको आमामी जबान में कोई अड़ी है, न कोई नहीं है। ये इस किस्म के लोग हैं। अर्ज कर रहा हूँ कि वो भली बातें सुनते और भली बातों में जो अच्छी मिले वो उनको सुनते हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ये ग्रुप ही है जो सुनता है जिससे बातें हो रही हैं। वरना ये नहीं तो रोज़ा फ़कत मोमिनीन पे है, दूसरों से या सुनते नहीं या मुनाफिक है। अगर ये उनके लिए अगर जुदा अहकाम है वो अपनी जगह पे है। वरना या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ है, कमा कुतिबा अललज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिससे तुम्हारे से पहले जो थे सब उन पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया था। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो सके। ये खुतबा जो था वो कल मैंने आधे में छोड़ा, वो मैं पूरा नहीं कर सका, उसको इजाज़त दे दे फिर कल बयान करूँ उसको, या अभी पढ़ दूँ जैसे। हाँ हाँ, तो आधे घंटे से ज़्यादा गुजर गया अभी, ठीक है। बोला 28 मिनट हुए हैं। अच्छा, बहरहाल फिर तो ज़्यादा लगेगा, पर मौला तौफीक दे आप लोगों को, करम नवाजी आपकी। मैंने आपका वक्त दिया, शुक्रगुजार हूँ दरादरा ने इमामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद रीजन का, और उनके अहबाब जो यहाँ मौजूद है या गायब है उन्हें यह एहतमाम किया, जिसकी वजह से मैं आपसे ये बातें उठी जिदी कर सका। मौला हमको मफाहिम समझने और उन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।